दुनिया में आज देखिए, जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को याद कर रही है सारी दुनिया। विज्ञान की जटिल गुत्थियों को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आंखें मूंदी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। स्टीफन हॉकिंग के काम और जीवन पर नजर डालने के अलावा कार्यक्रम में आज पूर्व रूसी जासूस पर हमले को लेकर उलझे रूस और ब्रिटेन, कार्रवाई के बदले में कार्रवाई की धमकी। फ्लोरिडा गोलीबारी के एक महीना होने पर अमेरिका में गन कल्चर का विरोध, छात्र करेंगे वॉकआउट। अपनों के विरोध की परवाह किए बिना दो बच्चियों को कैसे अपनाया एक डॉक्टर ने, ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है आज बीबीसी दुनिया में। और बुलेटिन की शुरुआत आज उस वैज्ञानिक की खबर से जिसने ना केवल विज्ञान की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी बल्कि इंसानियत को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दुनिया को काफी कुछ देने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने आज उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास अपने घर पर अंतिम सांसें ली जहां वो अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स की गुत्थी को सुलझाने के लिए काम करते रहे। स्टीफन हॉकिंग के निधन पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ट्वीट करके कहा कि उनके काम से संभावनाओं का एक संसार सा खुल गया जिसे हम और सारी दुनिया खंगाल रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए लिखा कि उनके धैर्य और दृढ़ता ने सारी दुनिया में लोगों को प्रेरित किया, उनके अग्रणी काम ने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी ट्वीट करके लिखा है कि उन्हें विज्ञान को उनके असाधारण योगदान के लिए याद रखा जाएगा, उन्होंने जटिल सिद्धांत को आम लोगों के लिए आसान बनाया। और गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है उन्होंने कि दुनिया को एक सुंदर दिमाग और एक शानदार वैज्ञानिक दुनिया ने खो दिया है। ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जज्बा क्या था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो केवल 22 साल के थे जब डॉक्टरों ने उनसे कह दिया कि वो अब चंद और साल ही जी पाएंगे, मगर उन्होंने मौत को हरा दिया और इसके बाद भी 50 से अधिक सालों तक विज्ञान के लिए काम करते रहे। एक नजर स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी पर। उनकी पहचान सबसे अलग थी और उनके काम की दुनिया कायल थी। अपनी हाईटेक व्हीलचेयर पर निढाल बैठे ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसके कई राज खोल दिए। स्कूल के समय ही उनमें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी के लक्षण दिखने लगे। कुछ समय बाद उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बावजूद वो रुके नहीं और बात करने के लिए कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिंथेसाइजर की मदद ली जिसे वो अपने हाथ से कंट्रोल करते थे। उनकी लोकप्रियता उनकी किताब A Brief History of Time से बहुत बढ़ गई जिसकी 1 करोड़ से अधिक प्रतियां बिकी। कईयों ने इसे खरीदा पर कुछ ही लोग इसे पढ़ पाए। टाइम स्पेस और ब्लैक होल्स की उनकी समझ को आम इंसान के लिए समझना काफी मुश्किल था, लेकिन उनमें बातचीत करने की प्रतिभा कमाल की थी। वो मशीन के जरिए लेक्चर और इंटरव्यू देते देते एक सेलिब्रिटी बन गए। उनका निजी जीवन मुश्किलों से भरा था। उनकी पहली पत्नी जेन उनकी काफी देखभाल करती थी, पर साल 1990 में स्टीफन ने अपनी नर्स इलेन के लिए उन्हें छोड़ दिया। दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद खबरें आईं कि हॉकिंग के साथ घरेलू हिंसा हुई। पुलिस ने मामले की जांच की और सबूत ना होने की वजह से केस बंद कर दिया। इलेन और स्टीफन ने तलाक ले लिया। जीवन के अंतिम वर्षों में बोलने के लिए वो इंफ्रारेड बीम को अपने गाल से हिलाते थे। साल 2014 में उनकी जिंदगी पर एक फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आई जिसमें अभिनेता एडी रेडमैन बने स्टीफन हॉकिंग। कैम्ब्रिज में उनकी एक मूर्ति भी बनाई गई। एक जीवित इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान है, पर यूनिवर्स के बारे में हमें और समझाना स्टीफन हॉकिंग के अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो एक असाधारण शख्स जिनकी जगह भरना शायद मुमकिन नहीं होगा। और आज से ठीक एक महीना पहले अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 17 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर छात्र थे।
मारे गए लोगों की याद में और अमेरिका में गन कल्चर को काबू में करने की मांग के साथ आज पूरे अमेरिका में हजारों की संख्या में छात्र स्कूलों से वॉकआउट करेंगे। इससे पहले अमेरिकी संसद के बाहर कल गोलीबारी की घटनाओं का एक अलग तरीके से विरोध हुआ। अमेरिकी संसद के सामने रखे इन जूतों को कभी बड़े प्यार से इसलिए खरीदा गया होगा कि इससे उनके नन्हे पांवों को तकलीफ नहीं होगी। आज ये खाली पड़े हैं। अमेरिका के आकाओं से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लगभग 7,000 जूते रखे हैं, जो उन 7,000 बच्चों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पिछले 8 साल में गोलीबारी की घटनाओं में मारे गए। अमेरिका में हर साल गोलीबारी में करीब 1300 बच्चों की जान जा रही है। मैं अपने बेटे डैनियल को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मैंने उसी के जूते पहने हैं। जिस दिन उसकी जान गई उसने यही जूते पहने थे। हमलों में बचे लोगों, मारे गए बच्चों के घर वालों और वॉलंटियर्स ने डोनेट किए जूतों को कैपिटल हिल के सामने लगाया और हथियारों पर नियंत्रण के लिए और कानून सख्त किए जाने की मांग की। हम उन बच्चों को याद कर रहे हैं जो इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उस दिन जब मैं जा रही थी तो उन माँ बाप के बारे में सोचकर रो रही थी जो मेरे ही तरह आए होंगे अपने बच्चों को लेने, जो अब नहीं रहे। I'm glad to see a survivor. Yeah. Thank you. My nephew had just walked up the street. मेरा भतीजा बस अपने दोस्त से मिलने बाहर निकला था। वो कॉलेज जा रहा था और एक ही पल में वो हमेशा के लिए चला गया। उसकी माँ इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई है। तो गन कल्चर की वजह से अमेरिका ने क्या हासिल किया और क्या खोया, अब इसी बात पर वहां मंथन चल रहा है। और ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर जहर से हुए हमले का मामला कूटनीतिक विवाद में बदलता जा रहा है। ब्रिटेन ने रूस को इस बारे में सफाई के लिए कल रात तक का वक्त दिया था और अब वो अगला कदम उठाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। मगर रूस ने ब्रिटेन पर आरोप लगाया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। रूस को ब्रिटेन ने जो रेडलाइन दी थी वो आई भी गई भी। रूस ने कोई सफाई नहीं दी, उल्टा एतराज जताया। रूस को इस तरह से अल्टीमेटम देना ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। रूस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब ब्रिटेन सरकार के सामने जो रास्ते हैं उनमें रूसी राजनयिकों को निकालना शामिल है। मगर फिर रूस भी ऐसा ही कर सकता है। ब्रिटेन रूसी चैनल रशिया टुडे का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। मगर रूस ने इसका भी जवाब पहले ही दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन की एक भी मीडिया को रूस में काम नहीं करने दिया जाएगा। और लंदन में रूसी दूतावास ने कह दिया है कि ब्रिटेन की किसी भी कार्रवाई का ठीक वैसा ही जवाब दिया जाएगा। यानी ब्रिटेन और रूस के बीच फिलहाल जैसे कुछ तैसा वाली स्थिति बनती जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ब्रिटेन के अनुरोध पर इस बारे में एक आपात बैठक भी होने जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज ग्लोबल राउंडअप में देखिए टूटता बनता ग्लेशियर और चोरी हुआ लाखों साल पहले की शार्क का दांत। और शोधकर्ताओं का कहना है कि अगले एक दशक में लेबोरेटरी में बनाए गए डीएनए में काफी सारा डिजिटल डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है। कैम्ब्रिज के यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे कंप्यूटर के कोड को डीएनए के कोड में बदला जा सके। कृत्रिम डीएनए में हार्ड ड्राइव से भी ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, पर इस प्रक्रिया की गति काफी धीमी है और महंगी है। और आज उपचुनाव के नतीजों के बाद जो रुझान आए हैं उस पर हमारे कार्टूनिस्ट कृतिश ने कुछ ऐसे चुटके लिए। और बीबीसी दुनिया में आगे है, कैसे एक डॉक्टर ने अपने परिवार की परवाह किए बिना बच्चियों को गोद लिया। और ब्रिटेन का एक कॉलेज जहां पढ़ाई जाती है इंग्लिश। तो मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। दो जुड़वां बच्चियों को उनकी मां ने पैदा होते ही ठुकरा दिया क्योंकि उसके लिए उनकी परवरिश आसान नहीं थी। फिर उन्हें इस दुनिया में लाने वाली डॉक्टर ने अपनाया। मुश्किलें उसके सामने भी हजार थी और सबसे बड़ी मुश्किल थी बिना शादी किए इन बच्चियों की मां बनना। देखिए बीबीसी संवाददाता सिंधु वासिनी की रिपोर्ट। दो बच्चियों की जिंदगी बदलने वाली कोमल को मुश्किल सवाल झेलने पड़े। लोगों ने पूछा मुझसे कि भाई अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि किसके हैं, इस लाइक कि अच्छा हस्बैंड कहाँ रहते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, तो आई सेस फ्रैंकली से कि नहीं, मैंने अडॉप्ट किया है, मेरी शादी नहीं हुई है। हर सवाल से जूझकर उन्होंने इन दो जुड़वा बच्चियों को अपनाया क्योंकि इन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं था। मुझे बस एक कॉल आया कि एक पेशेंट आया है और डिलीवर करना है और हमें ऐसे लग रहा है कि पेशेंट के साथ कोई है नहीं। धीरे धीरे किसी ने मुझे कान में बोला कि मैम ये ट्विंस डिलीवरी थी, एक हो गया एक नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ भेजा है, तो इनके साथ कोई है नहीं। वो मतलब वहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया था उन्होंने, जो आई थी लेडी, तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं रखना है, मैं विडो हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 2 kids हैं। तो उसने बोला कि नहीं मुझे रखने ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है तो मैं ले लेती हूँ, मैंने जस्ट एक वर्ड बोल दिया। फरुखाबाद जैसी छोटी सी जगह पर रहने वाली एक कुंवारी लड़की के लिए ये फैसला आसान नहीं था। लोगों ने बातें की, माँ बाप ने भी साथ नहीं दिया। I just called my father और मैंने उन्हें कहा कि मैंने दो बच्चे अडॉप्ट कर लिए हैं। As usual बहुत शाउट करने लग गए। उन्होंने कहा तुम मर जाओ हमारी तरफ से, ये वो हमसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, या तो उन्हें छोड़ दो। तो मेरे को भी गुस्से में उनको यही बोलना पड़ा कि आपकी लाइफ बहुत कम है अभी, उनकी पूरी लाइफ है, तो मैं उनके लिए आपको छोड़ सकती हूँ। बच्चे आने के बाद तो 1% भी ख्याल मन में नहीं आया कि शादी जैसी भी शायद कोई चीज दुनिया में है, बट हो गई। जब बारी खुद की शादी की आई तो भी जद्दोजहद हुई। उनका भी यही थॉट था कि बच्चों को कहीं ऑर्फनेज में दे देते हैं, या फिर हम लोग अगर पेरेंट्स नहीं माने या पेरेंट्स से बात आती है सामने तो वो कहेंगे तो किसी और को अडॉप्ट करा लेते हैं या ऑर्फनेज में दे देते हैं। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको कह भी नहीं रही कि आप मुझसे मैरिज करो, इट्स योर चॉइस। कोई उन्हें आके बोलता है तो मैं उन्हें सिंपल जवाब दूंगी कि हाँ मैंने आपको अडॉप्ट किया है और मुझे उसमें कोई वो नहीं है, और बेसिकली मैं शायद ये भी नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि आपने मुझे अडॉप्ट किया, मैंने आपको नहीं। कोमल के लिए हर रिश्ते से बड़ा था माँ का रिश्ता जो उन्होंने दो बच्चियों से बनाया और वादा किया कि जिंदगी भर उनका साथ निभाएंगी। तो साहस और हिम्मत से माँ का रिश्ता निभाती एक महिला, और दो भाषाएं जिनकी बोली और लिपि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, वो आपस में मिलकर क्या एक नई भाषा बना सकती हैं? इंग्लैंड के एक कॉलेज ने एक नई भाषा का कोर्स शुरू किया है जिसे हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बनाया गया है। सोशल मीडिया पर हम अक्सर हिंदी को अंग्रेजी की तरह यानी रोमन लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी में बात करते समय भी हिंदी के शब्दों का प्रयोग आम हो गया है, तो ये भाषा कुछ इसी तरह की है। देखिए बीबीसी की एक खास रिपोर्ट। प्यार, खुश, उदास, ये शब्द हिंदी के हैं लेकिन भाषा अलग है। मिलिए इंग्लैंड के हिंग्लिश सीखने वाले छात्रों से। मैं दुनिया के बारे में और ज्यादा जानना चाहती हूँ। ये बिल्कुल अलग है, ऐसा कोर्स दूसरे कॉलेज में शायद नहीं मिलेगा। हिंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी से बनी है, ये प्रयोग दूसरी भाषाओं के साथ भी किया जा सकता है। ज्यादातर भारतीय सिनेमा देखते हैं, उनमें टाइटल से लेकर गाने तक सब हिंग्लिश में होते हैं। भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए इन युवाओं को ये भी लगता है कि इस भाषा से उनके सामने नए अवसर खुल सकते हैं। फिर सोचा जाने दो, means I changed my mind. It's great to hear that our future generation... ये अच्छी बात है कि अगली पीढ़ी के लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो सामाजिक रूप से जागरूक हैं और हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। भारत की बिजनेस कम्युनिटी में भी इस नई तरह की भाषा का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलती भाषा, और आगे है अर्जेंटीना का एक टूटता बनता ग्लेशियर। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कहां गर्भपात के लिए एक महिला को हुई थी 30 साल की सजा। आगे ग्लोबल राउंडअप।
स्वागत है आपका एक बार फिर बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह और अब देखिए बीबीसी ग्लोबल राउंडअप और पहली खबर जर्मनी से। जर्मनी में एंगेला मर्केल चौथी बार जर्मनी की चांसलर बन गई हैं। चुनाव के लगभग 6 महीनों बाद तक चले राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार संसद में उन्हें दोबारा चुना गया। कंजर्वेटिव पार्टी और सोशल डेमोक्रेट्स के उनके गठबंधन को 9 वोट के अंतर से बहुमत मिला। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूतर्ते ने अपने देश को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बाहर कर लिया है। कोर्ट ने 1 महीने पहले फिलीपींस की ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की जांच शुरू की थी। आरोप है कि उनकी पुलिस ने कथित तौर पर हजारों ड्रग इस्तेमाल करने वालों और डीलरों की हत्या कर दी है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक संसदीय सीट के लिए हुए चुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। इस चुनाव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। अभी तक की हुई गिनती में डेमोक्रेट उम्मीदवार रिपब्लिकन उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। अमेरिका में एक विमान में एक पालतू कुत्ते की मौत के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस ने इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की है। यात्रियों ने बताया कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक यात्री से कुत्ते को लॉकर में बंद करने के लिए कहा था। जिस परिवार ने अपना कुत्ता खोया उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम विमान में गए और उसे नीचे रख दिया, पर फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि आप इसे यहाँ नहीं रख सकते, इससे रास्ता रुक रहा है। फिर उसने उसे ऊपर रखा और कैबिन बंद कर दिया। और इसके अलावा खबरों में है अल साल्वाडोर की ये महिला जिनका नाम है मारिया वेरोनिका, जो 15 साल के बाद जेल से रिहा हुई है। इनका जुर्म यह था कि इन्होंने गर्भपात कराया था, जिसके लिए इन्हें 30 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इनकी सजा कम कर दी गई थी। अर्जेंटीना का ये पेरिटो मोरेंगो ग्लेशियर है। ये दुर्लभ ग्लेशियर हर 2 से 4 साल में टूटता बनता रहता है। इसकी ऊंचाई के बढ़ते ही ये अर्जेंटीना झील के एक हिस्से को काट देता है, जिससे यहाँ बर्फ का एक बांध सा बन जाता है और फिर पानी का दबाव बढ़ते ही ये ग्लेशियर टूट भी जाता है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अभी अभी ये ऐलान किया है कि ब्रिटेन ने रूस के 23 राजनयिकों को वापस भेजने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने यह कदम पूर्व रूसी जासूस पर ब्रिटेन में जहर से हमले के मामले में रूस को दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद से उठाया गया है। और अब कुछ खबरें बीबीसी के सोशल मीडिया से भी। बीबीसी वर्ल्ड ने ट्वीट किया है कि इटली के एक शहर में खुदाई के दौरान दूसरे विश्व युद्ध का एक बम मिला है। सुरक्षा कारणों से यहां रह रहे 23,000 लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया है। ये उस बम की तस्वीर है जो दूसरे विश्व युद्ध का बम है। तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। We'll be right back.